Don't forget to click on bell icon to get all latest updates. ऋतिक रोशन बॉलीवुड के बहुचर्चित अभिनेता है। उन्होंने बॉलीवुड में कई सफल फिल्में की है और अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। उन्हें अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। अभी कुछ दिनों पहले ही दुनिया के सबसे हैंडसम मैन की याद ही बाहर आई थी, उसमें उन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। अभिनय के अलावा ऋतिक स्टेज परफॉर्मर और पार्श्व गायक भी है। उनके द्वारा निभाए गए किरदारों को आलोचकों के साथ साथ जनता ने भी काफी पसंद किया है। वो किसी भी तरह के रोल करने में माहिर माने जाते हैं। अभिनय के अलावा वो बहुत ही बेहतरीन डांसर है और बॉलीवुड में उनकी पहचान एक अच्छे डांसर के रूप में होती है। अपनी प्रसिद्धि के कारण उन्हें ग्रीक गॉड और ऋतिक मेनिया के नाम से भी जाना जाता है। ऋतिक बचपन से ही अभिनय करते आ रहे हैं। ऋतिक रोशन का जन्म मुंबई में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम राकेश रोशन है, जो कि अपने समय के मशहूर अभिनेता रहे हैं। उनके पिता फिल्म निर्देशक भी है। उनकी माँ का नाम पिंकी रोशन है। उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम सुनैना है। संगीत निर्देशक राजेश रोशन उनके चाचा है। उनके नाना निर्माता निर्देशक जे ओम प्रकाश है, जिनका कुछ दिनों पहले ही निधन हो चुका है। वैसे उनका पूरा परिवार फिल्मों से कहीं ना कहीं संबंध रखता है। ऋतिक की शुरुआत की पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से हुई। इसके बाद की पढ़ाई के लिए वो सिडनहम कॉलेज चले गए, जहां से उन्होंने कॉमर्स में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। मास्टर्स की डिग्री उन्होंने यूएस से पूरी की। उन्होंने संजय खान की पुत्री सुजैन खान से शादी कर 17 साल तक चले इस रिश्ते का तलाक से अंत हो गया। इनके दो बच्चे हैं रिहान और रिधान। ऋतिक रोशन का करीना कपूर के साथ अफेयर की खबरों ने काफी तुल पकड़ा, तो वही फिल्म काइट्स के दौरान बारबरा मोरी से भी उनके प्रेम प्रसंगों की काफी चर्चा हुई। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा के साथ भी उनका नाम जुड़ चुका है। एक समय कंगना रनौत के साथ भी उनका नाम जुड़ा, पर ऋतिक ने इसे महज एक अफवाह करार कर दिया। ऋतिक के फिल्मी सफर की शुरुआत मुख्य अभिनेता के तौर पर फिल्म कहो ना प्यार है से हुई थी, जो कि उस समय की सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक स्वयं उनके पिता राकेश रोशन थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के खूब झंडे गाड़े। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए डबल रोल के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया जो कि फ्लॉप हो गई, लेकिन फिल्म कोई मिल गया उनके करियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म के साथ ही ऋतिक ने अभिनय में सभी का दिल जीत लिया। ऋतिक ने कई यादगार और ऐतिहासिक फिल्मों में काम किया है। 2006 में फिल्म धूम 2 में उन्होंने एक चोर का रोल प्ले किया। अभी रिसेंटली उनकी फिल्म सुपर 30 आई, जिसमें ऋतिक रोशन ने एक मैथमेटिशियन की भूमिका निभाई। ये फिल्म ऋतिक रोशन की अब तक की सबसे बेस्ट फिल्मों में से एक मानी जाती है। हालांकि ऋतिक रोशन बचपन से ही कलाकारी कर रहे हैं। अब ऋतिक रोशन जल्द ही टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर के साथ फिल्म वॉर में नजर आएंगे, जो कि 2 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज, प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।